शाहजहांपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और मांगों के निस्तारण के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक शौकीन सिंह यादव को शाम करीब 4 बजे ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में श्री हर कुमार पाठक कन्या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुमन देवी गंगावर को निलंबन तत्काल इनका निरस्त करने की मांग उठाई गई। आगे बढ़ करके प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहा है। आज शाहजहांपुर में इतिहास रचा जा रहा है। पूरा जितना भी शिक्षक संघ है, चाहे वो पांडे गुट हो, चाहे वो शर्मा गुट हो, चाहे चंदेल गुट हो, चाहे भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ हो, चाहे प्रधानाचार्य परिषद हो, चाहे मदरसा के हमारे भाई साहब फूल मियाँ साहब हो, हम सभी लोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले हर कुमार तारा पाठक के प्रबंध तंत्र की ईंट से ईंट बजाने के लिए एकजुट हो गए हैं। जब तक जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहांपुर हर कुमार तारा पाठक का प्रबंध तंत्र भंग नहीं करते हैं, ये आंदोलन दिन प्रतिदिन निरंतर गति को और गति को प्राप्त होता जाएगा। प्रबंधक मेरी आवाज सुन रहे हो तो हम अच्छी कह रहे हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो होगा देखा जाएगा, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में ही जीवन है। सुमन गंगवार का निलंबन वापस हो, माध्यमिक शिक्षक संघ ये मांग करता है। भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ ने विशाल प्रदर्शन किया, पांडे गुट कर रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ पर डीएस भी आएंगे, वो भी देखेंगे। सरकार भी खिलाफ है इस प्रबंध तंत्र के। प्रबंधक होश में हो, तुम्हें तुम्हारी जद में लाएंगे और शिक्षकों की ताकत दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। क्या कुछ मांग है? ये हमारी पहली मांग है कि श्रीमती सुमन देवी गंगवार प्रधानाचार्य हर कुमार पाठक को जिनका निलंबन और अवैधानिक और मनमाना ढंग से किया गया है उसको निरस्त किया जाए और वहाँ की शिक्षिकाओं को जो उनके डेल आ रहे हैं उनको दिलाया जाए। दूसरी है जनपद की शिक्षण संस्थाओं में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले और शैक्षिक वातावरण को विषाक्त करने वाले स्वार्थी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। तीसरा है कन्या विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं छात्राओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। ये तीन मांगों को लेकर हम लोग आंदोलित हैं और खासतौर से ये है कि जो प्रबंधक हमको मजदूर समझ रहे हैं, जो सम्मान शिक्षक को मिलना चाहिए, समाज शिक्षकों को निर्माता कहता है, लेकिन वो हमको मजदूर मान करके धमकियाँ देते हैं, निलंबित कर देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे, इस प्रकार की धमकियाँ देते हैं। इसको रोका जाए, अगर इस प्रकार की गतिविधियों को शीघ्र रोका ना गया तो हम लोग आंदोलन को और उग्र करेंगे।